अगर तुसी किसे नूं देखो कि ओह तकबर और गरूर करदा, तो फिर इस गल ते अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने थोनू इन्नी ताकत और इन्ना इख्तियार नहीं दिता कि तुसी किसे ते जुल्म करो, किसे दी दिल आजारी दा बायस बनो, किसे दा दिल दुखाओ। बिल्कुल इसे तरह थोड़ी कमजोरी भी थोड़े हक च बहुत बेहतर। अगर तुसी समझदे हो कि तुसी कमजोर हो, किसी दे अपने नाल कीती हुई ज्यादती का बदला नहीं रह सकते, तो यह थोड़े हक च बेहतर है। अगर तुसी अपनी कमजोरी के बायस किसी नाल अपना झगड़ा छड़ दिंदे हो, तो यह भी थोड़े हक च बहुत बेहतर है, बल्कि एक नेमत है। हरामखोरी की वजह तो और अपने गरूर और तकबर की वजह तो इंसान जन्नत तो महरूम हो जाता। एक सूदखोर अपने घर दियां सीढ़ियां तो गिर गया और गिरदे नाल ही उहदी वफात हो गई, यानी कि उहदा दम निकल गया। उहदा बेटा कई रोज तक गम मनाउंदा रहा, रोंदा रहा, लेकिन आखिरकार उहने अपने आप नूं संभालिया, अपने दोस्तां दियां महफल च जाणा शुरू कर दिता। एक दिन उहने अपने बाप नूं ख्वाब च देखिया ते पुछिया कि अब्बा जान, तुहाडी हिसाब किताब तों जान किद्दां छुट्टी? उहने जवाब दिता कि इह तां बेटा पुछ ही ना, मतलब मैं घर दियां सीढ़ियां तो गिरदे सार ही जहन्नम च गया, यानी कि सीढ़ियां तो गिरदे बाद फौरन मेरी मौत वाकया हो गई और अल्लाह ताला ने मैनू किते होर रुकड़ ही नहीं दिता, सीधा जहन्नम च गया। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मरदे सार ही जहन्नम च पहुँच गया।